किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल सिटीज फार्म में स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे आज हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से वीडियो शूट कर रहे हैं किसान भाइयों। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे खेती बाड़ी से और डेयरी फार्म से जुड़े हुए यंत्र। किसान भाइयों, अगर आप लोग खेती बाड़ी का कार्य करते हैं या पशुपालन का कार्य करते हैं तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कुछ इस तरह के यंत्र हैं जिसकी ज़रूरत आप लोग को खेती बाड़ी में और पशुपालन में डेयरी में ज़रूर पड़ती होगी। तो आप लोगों को भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम तरह के यंत्र रखे हुए हैं जिससे आप लोग खेतीबाड़ी का काम सुचारू रूप से कर सकते हैं किसान भाइयों। तो यहाँ पे आज हम मिलवाएंगे इस दुकान के ऑनर श्री रंजीत कुशवाहा जी से और जानेंगे कि ये क्या क्या बेचते हैं। और स्पेशली ये वीडियो किसान भाइयों केवल पशुपालन किसान भाइयों के लिए है। तो देखिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आप लोगों को एक डेयरी प्रोडक्ट मिल्किंग मशीन के बारे में ही डिटेल्स बताएंगे। तो आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं हम इसके बारे में कि ये कितने का आता है, ये कैसे काम करता है इस दुकान के ऑनर श्री रंजीत कुशवाहा जी से। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम इस दुकान के जो ऑनर हैं उनसे आप लोग का परिचय करवाते हैं। मेरा नाम रंजीत कुशवाहा है, मेरे फार्म का नाम किसान मशीनरी एजेंसी है, ये गोरखपुर में एम्स के बगल में है। अच्छा, ये गोरखपुर के एम्स के बगल में है आपकी दुकान। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए किसान भाइयों, अब हम इस वीडियो में इस मिल्किंग मशीन के बारे में रंजीत जी से जानेंगे। तो ये मशीन मतलब मेनली किस पशु का, मतलब गाय भैंस दोनों का दूध निकालेगा या के भैंस का केवल? ये गाय भैंस दोनों का दूध निकाल सकता है। अच्छा, और जिसे जो गाय 10 लीटर 15 लीटर देती है, हाँ, उसके लिए काफी इजी रहता है। अच्छा, आसानी से निकल जाता है, मतलब जल्दी निकल जाता है। जैसे कि देखिए किसान भाइयों, जो गाय भैंस अधिक दूध देती है तो उसको जब हम लोग दूध निकालने बैठते हैं तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है, जिसके कारण गाय भैंस दूध को मतलब जैसे कि अपने अंदर ही रोक लेती हैं, क्योंकि ड्यूरेशन अधिक होता है तो वो लोग अपने अंदर ही रोक लेंगे। अब मशीन है तो ये जल्दी उतारेगा तो आप लोग को सारा दूध उससे मिल जाएगा। तो रंजीत जी, इसमें हम जानेंगे इसमें मतलब कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है? इसमें आधे एचपी का मोटर है। अच्छा, आधे एचपी का, एक एचपी के मोटर के साथ भी आता है। अच्छा, ये तो बड़े में रहता है। अच्छा अच्छा, जिसे इस वाले से 10 से 15 गाय को दूध निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक गाय का दूध निकालने में कितना समय लग जाता होगा किसानों को? 5 से 7 मिनट लगे। अच्छा, 5 से 7 मिनट, मतलब एक आइडियल टाइम मान सकते हैं, मतलब गाय भैंस को दोने के लिए 7 मिनट का टाइम भी लगता है, तो ये 5 से 7 मिनट में सारा दूध गाय भैंस से निकाल देगा। अच्छा, आइए, जो इसकी टैंक है ये कितने कैपेसिटी की है? ये 20 लीटर की है। अच्छा, 20 लीटर की, और आधे एचपी का मोटर है। आधे एचपी का मोटर है। तो देखिए किसान भाइयों, आप लोग के मवेशी या गाय भैंस अगर 20 लीटर तक दूध देते हैं तो इसमें आप लोग आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं, उसका दूध निकाल सकते हैं। अब आइए हम कुशवाहा जी से जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो बताइए ये कैसे, मतलब हमारे किसान भाई अगर इस मशीन को खरीद लेते हैं तो इसका कैसे यूज करेंगे? इसको मोटर, ये प्लग लग जाएगा। अच्छा, ये प्लग पावर प्लग में खोल देंगे। अच्छा, और यहाँ से ये मोटर स्टार्ट कर देंगे। मोटर स्टार्ट कर देंगे। मोटर स्टार्ट करने के बाद इसमें देखेंगे, ये जो दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि हम कितना इसका प्रेशर चार्ज। देखिए देखिए किसान भाइयों, ये प्रेशर गेज है तो इसमें हम लोग प्रेशर देखेंगे। तो इसमें अगर 400 प्रेशर, अच्छा 400 तक प्रेशर होना चाहिए इसमें। 400 हो जाएगा, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 400 पे ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इसको चारों थन में, गाय के भैंस के चारों थन में लगा देंगे। अच्छा, और लगा के छोड़ दिया जाएगा। छोड़ देंगे इसको, फिर ये अपने आप से दूध निकालना शुरू हो जाएगा, यहाँ से दूध दिखता रहेगा। अच्छा, दूध आना बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ से बंद किया कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया जाएगा। और इसमें जैसे कि गाँव भैंस में पहले बछड़े को खोलते हैं, वो क्रिया करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब देखिए किसान भाइयों, अगर गाय भैंस है आप लोग को तो उसको जैसे गाँव की भाषा में बोलते हैं पिनाना, मतलब दूध उतारना, तो पहले आप लोग को वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मशीन। जैसे जब बछड़ा आप लोग खोल देते हैं और उसके दूध निकलने की प्रोसेस की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली रहती है, उस टाइम ये मशीन आप लोग लगाएंगे तब सारा दूध निकलेगा किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, अगर आप लोग इस मशीन को खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन रंजीत जी का नंबर दिया गया है, आप लोग इस पर फ़ोन करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये मशीन जो है ये सिंगल बकेट है, इसमें डबल भी आता है, 4 सिलेंडर का भी आता है, तो 4 सिलेंडर वाला फिक्स रहता है और डबल वाला ऐसे ही रहता है, जिससे कि मतलब किसी की ट्रॉली पे ही रहेगा, जिससे कि कोई मवेशी अगर ज़्यादा दूध देती है तो आप लोग दोनों बकेट में कैरी कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे एक प्रोडक्ट आप लोग को और दिखा देते हैं, मिल्क सेपरेटर का। अगर जो किसान भाई हमारे अधिक दूध का उत्पादन करते हैं, उनको अगर क्रीम बनाना हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पारस क्रीम मशीन रखा हुआ है। तो ये कैसे काम करता है, मतलब ये मोटर से चलता है या वैसे ही चलता है? ये मोटर से चलता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर, ये मोटर ऑपरेटेड भी है, हैंड ऑपरेटेड। अच्छा, हैंड ऑपरेटेड भी है। बिजली नहीं रहती है तो हैंडल से भी क्रीम निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा,
और मतलब ये कितने एचपी का इसमें मोटर लगा हुआ है? इसमें एक एचपी का मोटर है। अच्छा, और जिसे इसमें दूध डाला जाएगा, जो ठंडा दूध डाला जाएगा। अच्छा, ठंडा दूध 10% क्रीम निकलता है। अच्छा, 10% बाल के डालते हैं तो 90% निकल जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो दूध को गर्म करके ही निकालें, जिससे कि आप लोगों को 90% तक क्रीम मिल सकता है। किसान भाइयों, इसी का देखिए ये छोटा वर्जन है, ये आधे एचपी का मोटर होगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे भी क्रीम सेपरेटर रखा हुआ है, ये आधे एचपी का है। तो अगर इन सब डेयरी प्रोडक्ट की खरीदारी अगर आप लोग करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके श्री कुशवाहा जी से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं इसका प्राइस कितना है। और अगर इनसे आप लोग संपर्क करेंगे तो ये आप लोग को बता देंगे, कोई भी कृषि यंत्र लेंगे या डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट लेते हैं तो आप लोग को ये थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि आप लोग को सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है विभिन्न विभागों के माध्यम से, तो उसके बारे में भी ये गाइड कर देंगे। तो आप लोग इनसे संपर्क करके इन सभी उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल सीटूस फार्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप लोग को समय समय से मिल सके।